हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यहाँ पर हम कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स करते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की हो एसएससी की हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम रूट से लेकर एडवांस तक की इंग्लिस पढ़ेंगे साथ ही साथ में प्रॉपर प्रैक्टिस भी करेंगे आपको किसी भी एक्स्ट्रा रिसोर्स की नीड नहीं होगी एंड ट्रस्ट मी अगर आप रेगुलर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इससे पहले वाले में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे आज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट बताऊँगी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैड टॉट हिम सिंस आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन देखिए इसका कंसेप्ट ये है कि जब हमारा अगर मुझे सिंस दिया हो किसी भी सेंटेंस में तो सिंस के बाद वाला हमेशा जो आपका टेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा सिंपल पास्ट जैसे इसमें देखते हैं अब हम हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है आई हैड टॉट हिम सिंस आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन मैंने देखा कि यहाँ पे सिंस आया है तो सिंस के बाद वाला हमारा सिंपल पास में बनना चाहिए तो हम यहाँ से हैड रिमूव कर देंगे अब हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैड टॉट हिम सेंस आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन ठीक है अब देखिए नेक्स्ट वाला बनाते हैं आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सेंस आई वॉज कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन मैंने आपको बताया था सिंस या फोर दो सेंटेंस में यूज होते हैं या तो आपके यूज़ होंगे परफेक्ट टेंस में या यूज़ होंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में ये वाला सेंटेंस जो हमारा था ये परफेक्ट में था अब नेक्स्ट वाला है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में पर हमारा रूल सेम रहेगा कि जब सिंस देखेंगे उसके बाद वाला सेंटेंस हम सिंपल पास में बनाएंगे तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सेंटेंस uh, है आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस आई वॉज कम्पलीट इंड माई ग्रेजुएशन तो सेंटेंस आपका बन जाएगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस आई वॉज कंप्लीट की जगह क्या होगा कंप्लीट सी ओ एम पी एल ई टी ई सिंस आई वॉज कंप्लीट माई ग्रेजुएशन नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं वेन ही वॉज इन डेली ही हैड ब्रोकन वन प्लेट एवरी डे देखिए सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं कि जब वो डेली में था वो एक प्लेट एवरी डे तोड़ता था दैट मीन्स उसकी हैबिट हो गई मैंने आपको बताया था जब हमारी कोई प्रेजेंट की हैबिट होती है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कोई प्रोवर्ब होता है तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं ठीक है बट अगर वो हैबिट पास्ट की हो तो उसे किसने बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेन ही वॉज इन डैली ही अब देखिए हेड हट जाएगा ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन तो क्या जाएगा ही ब्रोकन

उसके तुरंत बाद या फिर उसी स्पेसिफिक टाइम पे कुछ दूसरा बात तो हैप्पन होता है दूसरा मोमेंट दूसरा इवेंट हमारा हैपन होता है तो हम वहाँ पे वेन का यूज़ करते हैं और जब कोई काम कुछ पीरियड से हो रहा होता है तो हम वहाँ पे वाइल का यूज़ करते हैं बट अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली बाय चांस एक साथ हो जाते हैं तो हम वहाँ पर ऐस का यूज़ करते हैं जैसे एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हमारे क्वेश्चन में हमें यूवन है प्लीज़ कम एंड सी मी वन आएगा या वाइल आएगा एज यू आर फ्री जैसे ही आप फ्री होते हो तो आप मुझसे मिलने आएंगे या फिर मुझसे मिलने आइएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा वैन नेक्स्ट में है द डोर बेल रेंग वन या वाइल या फिर एज आएगा आई वॉज़ मेकिंग डिनर देखिए जब कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो उससे पहले हमारा वाई यूज़ होता है तो यहाँ पे क्या आएगा तो वाइल नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं द डोर बेल रेंग एज सी स्लेप्ट अब देखिए डोर बेल बजी जब वो सो रही थी तो दो मोमेंट है दो मोमेंट हैं जो कि अलग अलग हैं एक साथ हुए हैं और साइमल्टेनियसली हुए है. तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा एज एज वहाँ पर यूज होता है जब आपके दो इवेंट जो कि अलग अलग हों वो साइमल्टे बाई चांस एक साथ हो जाते हैं तो आप एज का यूज़ करते हैं ठीक है चीके? नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट अब देखिए इसमें क्या होता है जब हमारी दो डिफरेंट चीज़ें एक एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं दैट मीन सिंगल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं बट अगर दो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज़ होती हैं तो हम वहाँ पर रूलर वर्ब यूज़ करते हैं जैसे क्वेश्चन था हमारे पास ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट मैं अब मैं जब खाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट जब लूँगी तो मैं ब्रेड और बटर दोनों के साथ में खाऊंगी ना दैट मीन्स ब्रेड और बटर हैं तो दो अलग अलग चीज़ें बट जब उन्हें ब्रेकफास्ट में हम यूज़ करते तो हम उन्हें एक चीज़ मान के यूज़ करते तो इसमें आएगा इस अब हमारा नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर जो है वो शॉप पर सेल किए गए अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड के साथ बटर फ्री आएगा फिर बटर के साथ ब्रेड फ्री आएगा हम ब्रेड अलग से सेल करेंगे और बटर अलग से सेल करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका आर आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर वो दो चीज़ें आप एक सिंगल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप सिंगुलर लगाओगे अदरवाइज आप क्लोर वर्क यूज़ करोगे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जब हम किसी प्लेस की तरफ जा रहे होते हैं तो हम टू लगाते हैं बट जब हम किसी एक्टिविटी करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर फोर लगाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आई एम गोइंग अब देखिए यहाँ पे है वॉक आप वॉक के लिए जा रहे हैं वॉक क्या है एक एक्टिविटी तो एक्टिविटी के लिए आप क्या लगाओगे फोर जब आप ऑफिस के लिए जा रहे होते हो ऑफिस क्या है एक प्लेस तो प्लेस के लिए आप क्या लगाओगे टू ठीक है इसमें यही ध्यान रखना है जब हम किसी प्लेस की तरफ जाते हैं या किसी प्लेस ऑफिस टेम्पल की एक प्लेस तो हम लगाएंगे टू बट जब एक्टिविटी के लिए वॉकिंग करने के लिए जॉगिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो हम लगाएंगे फोर जब हम स्कूल जाते हैं टू लगाएंगे फोर नहीं लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखें हमने पढ़े कैन कुड कुड हैव कैन हमारा क्या बताता है जो हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी होती है मैं ये काम कर सकती हूँ कुड़ क्या बताता है जब आपकी पास्ट की आप ये काम कर आप बहुत अच्छी स्विमिंग करते थे उस टाइम तो आपके आप कुड़ लगाए बट हैव क्या होता है कुड़ एक ऐसा पास्ट का पर्टिकुलर सिचुएशन होती है कि आप वो काम कर सकते थे आप में वो एबिलिटी थी बट आपने नहीं किया जहाँ पे हमारा ऐसा सेंस आएगा वहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे जैसे आई हैव स्पीक इंग्लिस मैं इंग्लिस बोल सकती हूँ ये मेरी प्रेजेंट के है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कैन नेक्स्ट में देखते हैं यू हैव यू विन इफ़ यू वर्क आउट देट मीन्स अगर आप वर्क हार्ड करोगे अगर आप हार्ड वर्क करते तो आप जीत जाते ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा कुड आई हेल्प हिम इफ़ ही हैड आस्क मी मतलब अगर वो मुझसे बोलती कि मेरी हेल्प कर दो तब तो मैं उसकी हेल्प करती बट मैंने की तो नहीं ना मैं कर सकती थी तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कुड हैव अब देखिए डिफरेंस क्या है आप इसको पहले आप सेंटेंस का मीनिंग समझिए सेंटेंस के मीनिंग में हमें फर्स्ट सेंटेंस ये बोलता है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ ठीक है मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है तो मैं यहाँ पे कैन यूज करूँगी जो आपकी पास्ट की एबिलिटी होगी जिसे इस फर्स्ट सेंटेंस में था कि यू विन इफ़ यू वर्क हाउट अगर तुम मेहनत करते तो तुम डेफिनेटली उस चीज़ में जीत जाते मतलब तुम्हारे अंदर एबिलिटी तो थे ना तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे गुड नेक्स्ट सेंटेंस हमारे ये कहता है कि मैं उसकी हेल्प तब करती जब उसने मुझसे बोला होता बट उसने मुझसे बोला नहीं है ठीक है तो हम क्या यूज़ करेंगे गुड हैव गुड हैव जो होता है एक पास्ट के पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज़ होता है नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट में देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है हमारी दो फॉर्म होती है तो लाई होता है एक ले होता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है लाई देखते हैं जब आप खुद से लेटते हो तो एल आई ई वाला लाई होता है अब देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म आपकी है लाई सेकेंड फॉम और थर्ड फॉम में सेकेंड फॉम ले हो जाएगी थर्ड फॉम लेड हो जाएगी जब आप किसी चीज़ को पुट डाउन करते हैं नीचे लेटाते हैं तो वहाँ वो होता है एल ए वाई वाला ले तो उसकी से फर्स्ट फॉर्म ले सेकेंड फॉर्म लेड थर्ड फॉर्म लेन अब देखिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं हम सी लेड द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर वैन आई आस्क्ड जब मैंने उसको बोला उसने ब्लैंकेट को लेटाया ब्लैंकेट खुद से लेट गया उसने ब्लैंकेट को लेटाया होगा ना जब उसने ब्लैंकेट को लेटाया होगा तो ये वाला एल ए वाई वाला यूज़ होना चाहिए ठीक है अब पास्ट में है तो पास्ट में हमारा क्या यूज़ होना चाहिए एल ए आई डी सेकेंड फॉर्म यूज होने तो यहाँ पे क्या जाएगा एल ए आई डी ठीक है अब देखिए सेंटेंस में एक और मिस्टेक है अब ये है इसमें ग्रामेटिकल एरर जब दो सेंटेंस पास्ट में होते हैं उसमें जो पहले वाला मोमेंट होता है पहले वाला इवेंट होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनता है तो पहले उसने मुझसे बोला कि ब्लैंकेट को लेटा दो ठीक है या फिर मैंने आई आस जब मैंने उससे पूछा तो उसने ब्लैंकेट को लिटा दिया ठीक है अब मैंने उससे पहले पूछा कि उसने ब्लैंकेट को पहले लिटाया बताइए आप इसको एक बार फिर से क्वेश्चन इससे समझने की कोशिश करते हैं सी लेट द ब्लैंकेट उसने ब्लैंकेट को लिटा दिया फोर्स को आई आज जब मैंने उसे बोला तो उसने लिटा दिया था ना तो हम लिखेंगे सी हेड यहाँ पे आपका आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या आती है लेन लेटाने की ये इसमें एरर थी ठीक है अब नेक्स्ट वाला देखते हैं सी डाउन ऑन द फ्लोर अब वो फोर्स पे खुद ही लेटेगी ना ऐसा तो है नहीं किसी वो तो एक लिविंग थिंग है वो खुद से लेटेगी खुद से लेटे के लिए हम यूज करते हैं एल आई ई लाई वाला लेटना अब हेड यूज हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए तो क्या हो जाएगा लेड तो हेड लेड इसमें ये करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे अब देखो एक तो प्रैक्टिस होता है पी आर ए सी टी आई एस ई वाला और एक होता है सी ई -E वाला जो सी ई -E वाला होता है वो आपका नाउन होता है इसे आप याद रखेंगे जो एस ई -E वाला होता है वो आपका वर्ब होता है ठीक है अब सेंटेंस में हमें वर्ब लगाना है कि नाउन लगाना है ये हमें सेंटेंस पढ़ने से पता लगेगा यू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे ठीक है अब देखिए आपको मैथ्स की एवरीडे प्रैक्टिस करनी चाहिए तो यहां पे प्रैक्टिस कौन सा वाला यूज होगा वर् वाला यूज होगा तो वर् वाला हमारा क्या होता है एस ई वाला होता है ठीक है अब देखिए एवरी डे है मीन सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए ठीक है और यू आया है तो फॉर्म है तो एस आई एस नहीं लगेगा तो जो आपका सेंटेंस गिवन है वो है यू प्रैक्टिस मैथ्स मैथ एविडेज करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं ही होप्स टू बिल्ड अप क्वाइट अ गुड प्रैक्टिस अब देखिए गुड़ आपका एक क्वालिटी बता रहा है ठीक है यहाँ पे गुड़ आपका है एडजेक्टिव अब देखिए यहां पर मेरा नाउन यूज होगा क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी आ रखा है सेंटेंस में तो सी ई -E वाला यूज होगा अब गुड़ यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव क्योंकि जो नाउन को स्पेसिफाई बताता है नाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब होता है एक आता है सम और एक एनी सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है ठीक है अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो आप हमेशा एन एनी का यूज़ करेंगे जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है हमारा वी हैव बुक इन द कबर्ड पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप इसमें सम यूज़ करेंगे और दूसरा वाला तो इंटैरोगेटिव हमें पता ही लग रहा है तो इसमें आपको एनी यूज़ करेंगे ठीक है आपको याद रखना है कि अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम सम यूज़ करेंगे बट अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसमें एन यूज करते हैं नेक्स्ट देखते हैं ईच और एवरी का कंसेप्ट क्या कहता है देखिए जो ईच होता है उसका यूज हमेशा दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है ठीक है और जो एवरी होता है वो हमेशा मोर देन टू के लिए यूज होगा और जो ईच है आपका वो दो के लिए भी यूज होगा और दो से ज्यादा के लिए भी यूज होगा ठीक है अब देखिए सी वीयर बैंगल्स इन एवरी या ईच हैंड हैंड तो उसके दो ही होंगे ठीक है हमने बताया था जब दो चीज़ें होती हैं या दो से ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए ईच यूज़ करते हैं एवरी कभी दो लोगों के लिए यूज़ नहीं होगा जहाँ पे दो चीज़ें होंगी वहाँ पे कभी हम एवरी यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट है सी वियर्स रिंग इन फिंगर अब फिंगर तो हमारे पास टेन होती है ठीक है वो किसी भी फिंगर में रिंग को पहन सकती है वो तो यहाँ पर लगाएंगे हम एवरी फिंगर ठीक है चलिए आज के सेशन का हम यहीं एंड करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच